हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं भाई साहब डीवीआर इस राउटिंग एल्गोरिदम को समझना। पहली बात तो ये डायनेमिक एल्गोरिदम है, ये पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था, जिसका फुल फॉर्म है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस का वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस राउटिंग एल्गोरिदम में, ये तो तय है। तो अभी चलो इसको समझना शुरू करते हैं किस तरीके से, एक बेसिक एग्जांपल को लेके। ओके, अब ये जो एग्जांपल है काफी छोटा एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है, जिसमें मैंने 4 राउटर ही सिर्फ कंसिडर किए हैं। एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो शायद इससे और बड़े हो, लेकिन आपको एक बेसिक इसका मीनिंग समझाने के लिए, इस एल्गोरिदम का वर्किंग समझाने के लिए, हर राउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है वो समझाने के लिए ये बेसिक एग्जांपल मैंने यहां पे कंसीडर किया है, ताकि कम से कम समय में हर एक डिटेल के साथ मैं आपको ये पूरा एल्गोरिथम डिलीवर कर पाऊं। ओके, तो भाई यहां पे जो एग्जांपल कंसीडर किया है उसमें ए बी सी डी ये क्या है, मेरे यहां पे 4 राउटर मैंने कंसीडर किए हुए हैं। ओके, और इनके बीच में जो लिंक्स हैं, इनपे जो वेट है, इनपे जो वेट आपको दिख रहा है, दिस कैन बी यू कैन से डिस्टेंस है। ओके, जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने बोला है, इसे कॉस्ट कंसीडर कर सकते हो, प्रोपेगेशन डिले आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम लोग कन्वेंशनली इसको एज अ डिस्टेंस यहां पे हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और ये एल्गोरिथम का मोटिव और ये हम लोग चाहते हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू ये कि भाई साहब जब भी आपका कोई पैकेट सोर्स से निकले तो वो डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचे, मतलब कम से कम डिस्टेंस के साथ, कम से कम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और ये बीच का काम कौन करता है, सारे के सारे आपके जो राउटर है वो संभालते हैं। और राउटर राउटिंग के लिए किसे यूज करते हैं, राउटिंग टेबल को यूज करते हैं। तो अभी वो राउटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए डीवीआर राउटिंग एल्गोरिदम को हम यूज करने वाले हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद इट। अब आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल होगा, ये क्या बना रखा है भाई साहब तूने ये क्या बना रखा है। तो ये जो मैंने बना रखा है इसे कहते हैं लोकल राउटिंग टेबल। दीज आर द इनिशियल फॉर्म ऑफ योर राउटिंग टेबल, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब ये 3 कॉलम क्या क्या है, ये रोज में क्या क्या पड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। तो 3 कॉलम क्या है बेसिकली, अब जगह ही नहीं बची, ठीक है मैं आपको बताता हूं। तो ये मान लो ये वाला मेरा जो राउटिंग टेबल है, जो पहला कॉलम है वो क्या दर्शाता है, डेस्टिनेशन। पहला कॉलम दर्शाता है डेस्टिनेशन राउटर, डेस्टिनेशन नोड। ओके, जो सेकंड कॉलम है वो क्या दर्शाता है, द कॉस्ट, द डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। और जो थर्ड रो है वो क्या दर्शाता है, द नेक्स्ट हॉप विच इज बीइंग टेकन टू रीच टिल दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। समझ में आया। तो यहां पे पहला कॉलम डेस्टिनेशन, दूसरा कॉलम डिस्टेंस, तीसरा कॉलम नेक्स्ट हॉप कौन सा कंसिडर किया आपने। अब इन तीनों को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। पहले तो ए से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, राउटर ए को अगर ए तक जाना है, राउटर ए को अगर ए तक जाना है तो कितना डिस्टेंस है, जीरो है यार ऑब्वियसली, उसे खुद तक आना है, जीरो है ऑब्वियसली। तो वो डिस्टेंस क्या है, ए के लिए जीरो है, और ऑब्वियसली नेक्स्ट हॉप जो है वो ए पे ही आएगा, खुद पे ही आना है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सेकंड क्या है, अब यहां पे दोस्तों ये जो राउटर है इन्हें पता है कि यहां पे कितने राउटर मौजूद है, 4 राउटर मौजूद है। ए को पता है यहां पे मेरे साथ साथ बी सी डी भी है, बी को पता है यहां पे मेरे साथ ए डी सी भी है, सी को पता है मेरे साथ यहां पे बी ए डी भी है, और डी को भी पता है ए बी सी भी उसी के साथ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस वजह से यहां पे आपको ये डेस्टिनेशन के रूप में जितने भी अवेलेबल राउटर है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, खुद को मिला के। जैसे कि ए ने खुद को कंसिडर किया, उसी तरीके से अभी वो बी को भी कंसिडर करेगा कि अगर मेरा डेस्टिनेशन बी है, मान लो अगर बी तक किसी एक पैकेट को सेंड करना है तो उसके लिए कितना डिस्टेंस है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 15, तो वो 15 यहां पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ए से नेक्स्ट हॉप जो है वो बी होने वाला है ऑब्वियसली, अगर बी तक पहुंचना है तो वो यहां पे बी मैंने कंसीडर कर लिया है, लिख लिया। आते हैं भाई साहब सी के ऊपर, यहां पे ए से मुझे सी तक जाना है। ओके, तो उसके लिए यहां पे जो डिस्टेंस फील्ड है उसमें इंफिनिटी मेंशनड है, क्यों, बिकॉज जो सी है वो ए का इमीडिएट नेबर राउटर नहीं है। ये मेरा जो चल रहा है ना अभी, ये फिलहाल लोकल राउटिंग टेबल जो मैं जनरेट कर रहा हूं यहां पे, ये मेरे इस एल्गोरिथम का पहला स्टेप है, पहला राउंड है। और पहले स्टेप, पहले राउंड में मैं 1 एज डिस्टेंस कंसिडर करता हूं फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। एक एज से मेरा मतलब है कि यहां पे जो भी आपका राउटर होगा इट विल बी ओनली कंसर्न विद इट्स इमीडिएट नेबर राउटर। तो जैसे कि यहां पे ए है तो ए विल बी नोइंग द डिस्टेंस फॉर इट्स इमीडिएट नेबर राउटर बी, दैट इज 15 जो मैंने यहां पे लिख दिया। यहां पे डी जो उसका इमीडिएट नेबर राउटर है उसका डिस्टेंस उसको पता होगा 5, उसने वो 5 यहां पे लिख दिया।
खुद के साथ तो जीरो है, वो है, लेकिन सी अगर आप देखोगे ये राउटर इमीडिएट नेबर राउटर नहीं है ए का, इस वजह से यहां पे इन्फिनिटी लिखा गया है। इसीलिए यहां पे राउंड वन के लिए यहां पे इन्फिनिटी लिखा गया है, और इन्फिनिटी है इसका मतलब कोई डिस्टेंस पता नहीं कि उस तक पहुंचने के लिए मे भी कितना डिस्टेंस लगेगा पता नहीं है, टोटली अननोन है। तो फिर नेक्स्ट हॉप कौन सी लेनी है वो भी पता नहीं, सो वी जस्ट पुट अ डैश देयर कि अभी हमें पता नहीं है। ओके, वेयर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, वेयर टू टेक द नेक्स्ट हॉप, टू विच राउटर वी हैव टू गेट द नेक्स्ट हॉप, ये पता नहीं है। ओके, अब आते हैं भैया डी के ऊपर। अब डी तो डायरेक्ट उसका नेबर है, तो ए से डी तक जाने के लिए डिस्टेंस लग रहा है 5, और नेक्स्ट हॉप जो होगा वो ए से आपका सीधा डी होने वाला है, तो वहां डी लिख दिया। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखोगे बी सी और डी, इनका लोकल राउटिंग टेबल मैंने जनरेट किया। ओके, यहां पे भी वही चीज है, अगर आप देखोगे तो यहां पे नसीब अच्छा है कि बी जो है वो आपका सभी नोड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ए डी और सी जो है ये आपके बी राउटर के इमीडिएट नेबर राउटर्स हैं, इसीलिए सबका डिस्टेंस जो है वो दिमाग में है बी के, दिमाग मतलब उसका राउटिंग टेबल। यानी कि अगर मुझे बी से ए तक जाना है ओके, तो वो डिस्टेंस कितना है 15 है, और नेक्स्ट स्टॉप ए होगा ऑब्वियसली। और अगर मुझे बी से बी तक जाना है तो उसका डिस्टेंस 0 है, अगर मुझे बी से सी तक जाना है तो डिस्टेंस 1 है। ओके, तो यहां पे डिस्टेंस अपडेट किया है, वाई, बिकॉज जो सी है वो इमीडिएट नेबर है और नेक्स्ट हॉप सी होगा, अगर मुझे बी से डी तक जाना है तो नेक्स्ट हॉप तो डी होगा विद अ डिस्टेंस 8। इसी तरीके से भाई साहब सी का भी किया। अब सी के केस में अगर आप देखोगे, अगर मुझे सी से ए पे जाना है तो सेम सिचुएशन थी जैसे कि मुझे ए से सी पे जाना है, तो यहां पे भी इंफिनिटी है बिकॉज सी इज ओनली नाउ कंसर्न्ड विद द इमीडिएट नेबर राउटर्स फॉर द राउंड 1। राउंड 2 में चीजें चेंज होंगी, कैसे होंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो राउंड 1 के लिए भैया वो सिर्फ नेबर जो है उनसे कंसर्न्ड है, उसे पता नहीं भैया ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टॉप होगा, इसलिए डैश, और बाकी सारी चीजें तो वो सेम है, सिमिलर है, ठीक है। डी का भी जो बिहेवियर है बी की तरह ही है, क्यों, डी भी जो है वो सारे आपके जितने भी नोड्स राउटर्स प्रेजेंट है उनसे कनेक्टेड है, तो यहां पे इंफिनिटी आने का सवाल ही नहीं है कुछ, ठीक है। ये हो गया बेसिक सा आपका इनिशियल स्ट्रक्चर तैयार। ओके, अब क्या होता है, राउंड 1 यहां पे खत्म हो गया, राउंड 1 के बाद क्या होता है, तो राउंड 2 जब आपका एक तरीके से शुरू हो रहा है, जब आप अगले राउंड में जा रहे हो, आप इन अपने एग्जिस्टिंग राउटिंग टेबल्स को अपडेट करने वाले हो। अभी जो लोकल आपके ऑपरेटिंग अपना राउटिंग टेबल्स अभी तैयार हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, अब इनको आप अपडेट करने वाले हो। कैसे अपडेट करोगे, व्हाट, हाउ इट इज गोइंग टू बी गेटिंग अपडेटेड, तो होता कुछ इस तरीके से है कि यहां पे आपके जितने भी राउटर्स मौजूद हैं वो अपने नेबर्स के साथ अपना जो ये पर्टिकुलर वेक्टर है, यानी ये जो बीच का कॉलम है जो कि आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस कॉलम था, तो ये जो डिस्टेंस कॉलम है, ये जो पूरा वेक्टर है, इसीलिए इसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बोला गया है, तो ये जो डिस्टेंस वेक्टर है वो अपने नेबरिंग राउटर्स के साथ शेयर करते हैं, नेबरिंग राउटर्स के साथ शेयर करते हैं। यानी कि अब जो मेरा यहां पे ए है, ये वाला जो मेरा राउटर ए है, इट विल रिसीव द डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम बी एंड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम डी। साइमल्टेनियसली दिस पर्टिकुलर राउटर इज गोइंग टू शेयर इट्स डिस्टेंस वेक्टर विद बी एंड डिस्टेंस वेक्टर विद डी। तो ए का डिस्टेंस वेक्टर बी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा। इस तरीके से हर राउटर जो यहां पे प्रेजेंट है वो अपने नेबर के साथ अपना डिस्टेंस वेक्टर जो उसने अभी इनिशियली जनरेट किया है वो शेयर करने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश में कामयाब हो जाता है, और फिर राउंड 2 में हमें कुछ इस तरीके से अपडेशन देखने को मिलता है। नाउ यू विल रियलाइज अब ये इन्फिनिटी हटने वाला है, कैसे हटने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे एट ए, अब ए पे कौन कौन सा जो आपका डिस्टेंस वेक्टर है आने वाला है, बी की तरफ से आएगा और डी की तरफ से आएगा, बिकॉज ये दोनों नेबर है एक है, तो उन दोनों की तरफ से आएगा। तो बी की तरफ से ये उसका इनिशियल राउटिंग टेबल आया, राउटिंग व्हाट डिस्टेंस वेक्टर आया, और ये डिस्टेंस वेक्टर डी की तरफ से आया, दोनों मिल गए। अब हमें एक नया अपना ए का राउटिंग टेबल बनाना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। तो नाउ ये जो अपग्रेडेशन होने वाला है ये नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ द लोकल राउटिंग टेबल, नहीं, इसे कंसिडर करके नहीं होने वाला, इसे कंसिडर करके आपका जो नया राउटिंग टेबल है वो अपडेट होने वाला है, नॉट कंसिडरिंग द प्रीवियस वर्जन बट बाय कंसिडरिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग गैदर्ड फ्रॉम द नेबर्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अभी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द टेबल, राउटिंग टेबल।